हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं नियो वर्ल्टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्मचारी राज्य बीमा निगम में जो बम्पर भर्ती आ रखी है उसकी कंप्लीट आपको जानकारी देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी कि ESIC की तरफ से जो बम्पर वैकेंसी आ रखी है, 3800 से अधिक पोस्ट पे जो नोटिफिकेशन है उसकी कंप्लीट आपको जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम की तरफ से जो भर्ती निकाली गई है इसके लिए ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन रिलीज किए गए हैं हर एक स्टेट से रिलीज किए गए हैं, हर एक स्टेट में ये वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, तो सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल, और सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है, यानी कि 10वीं क्लास से लेकर के 12वीं क्लास और ग्रेजुएट पास, ये सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। केवल अगर आप फ्रेंड्स 10वीं पास भी हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर सभी कैंडिडेट्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अप्लाई जरूर कीजिएगा। और इस वैकेंसी के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, आवेदन कब से कब तक चलेंगे, किस प्रकार आपको अप्लाई करना है, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि लाइक करने से फ्रेंड्स हमें मोटिवेशन मिलता है और इसी प्रकार आप सभी के लिए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट सबसे पहले लेकर आते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। रोजाना इसी प्रकार सरकारी नौकरी की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के नीचे लाल बटन को दबाएं, साथ ही साथ घंटी का बेल आइकन जरूर दबाएगा और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ESIC की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि इस साल 2022 की ये बम्पर वैकेंसी है। दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहां पर जारी हो चुका है, हर एक स्टेट से यहां पर नोटिफिकेशन निकाले गए हैं। ठीक है, वहीं यहां पर सैलरी आपको मिलेगी 56,900 रुपए पर मंथ, जो कि काफी अच्छी सैलरी है। ठीक है, और लास्ट डेट जो है 15 फरवरी 2022 है, यानी कि किसी भी स्टेट से आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 15 फरवरी 2022 से पहले अप्लाई जरूर कीजिएगा। लास्ट डेट जो है 15 फरवरी 2022 है। ठीक है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं तो यहां पर 10वीं क्लास से लेकर के 12वीं क्लास और एनी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बाकी सभी जानकारी के लिए सीधा आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं। सो फ्रेंड्स, अधिक जानकारी और आवेदन करने का लिंक मिलेगा आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर tipswarrierbuzz.xyz पर। फ्रेंड्स, आज ही हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और अप्लाई करें, आप चाहें तो गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं सीधा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेटेस्ट और बम्पर वैकेंसी के बारे में, जो कि निकाली जा रही है ESIC की तरफ से, यानी कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की तरफ से। फ्रेंड्स, यहां पर आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसी कितनी है, 3847 पोस्ट यहां पर जारी हो चुकी है, जो कि अलग अलग स्टेट से बम्पर वैकेंसी है। ठीक है, वहीं वैकेंसी की बात करते हैं यानी कि पोस्ट की, तो कौन सी पोस्ट यहां पर जारी की गई है। तो यहां पर नंबर वन जो वैकेंसी है वो है UDC की, क्लर्क की वैकेंसी है। वहीं सेकंड नंबर की पोस्ट है MTS की, मल्टीटास्किंग स्टाफ की है। थर्ड नंबर की जो पोस्ट है वो है स्टेनोग्राफर की, स्टेनो की है। ठीक है, 3800 से अधिक वैकेंसी है जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। वहीं इस वैकेंसी के लिए केवल आपको फ्रेंड्स ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा, ऑल ओवर इंडिया की जॉब लोकेशन है और एज लिमिट जो है मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 27 है। आईसीयू में छूट भी रहेगी रिजर्व कैंडिडेट्स को। तो दोस्तों, यहां पर एप्लीकेशन फीस जो है जनरल और ओबीसी के लिए 500 रुपए है, SC ST PWD और फीमेल्स के लिए 250 रुपए है। पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होगा। वहीं सिलेक्शन प्रोसेस में आपकी यहां पर दो एग्जाम होगी, प्री और मेन। तो यहां पर आपको प्रिपरेशन करनी होगी, यानी कि प्री एग्जाम की भी तैयारी करनी होगी, साथ ही साथ मेन की भी करनी होगी। और दोस्तों, यहां पर उसके बाद अगर आप क्वालिफाइड होते हैं तो यहां पर आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, और वहीं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो काफी सारे कैंडिडेट्स के सवाल थे कि क्या हम BBTech पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, क्या हम 10वीं पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर सभी के लिए वैकेंसी है। इवन अगर आप 10th पास हैं, 12th पास हैं, ग्रेजुएट पास हैं, BBTech भी पास हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि केवल 10वीं पास कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकता है यहां पर। तो आप 10वीं पास हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन जरूर कीजिएगा। वहीं आवेदन जो है इसके 15 जनवरी से शुरू हो रहे हैं और 15 फरवरी 2022 तक इसके आवेदन चलेंगे। तो आवेदन करने का लिंक आपको यहां पर मिल जाएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन के, जैसा कि आप देखते हैं हम आ चुके हैं कर्मचारी राज्य बीमा निगम की ऑफिशियल वेबसाइट पर। और फ्रेंड्स, यहां पर आप नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं, हर एक स्टेट्स के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन यहां पर रिलीज किए गए हैं। जैसा कि आप देखते हैं, अहमदाबाद के लिए अलग से है, गोवा पणजी के लिए है, फरीदाबाद के लिए है, बाड़ी के लिए है, जम्मू के लिए है, रांची के लिए है, बैंगलोर के लिए है, इंदौर के लिए है, मुंबई के लिए, मतलब अलग अलग स्टेट्स से नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। किसी भी एक नोटिफिकेशन को चेकआउट आप कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कौन कौन सी पोस्ट पे नोटिफिकेशन है, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, और यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको सैलरी के बारे में भी पता चल जाएगा, क्वालिफिकेशन क्या है हर एक पोस्ट के लिए, यानी कि MTS के लिए केवल 10वीं पास है, स्टेनो के लिए 12th पास है और UDC के लिए डिग्री पास है, यानी कि 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएट सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है।
दोस्तों अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन को चेकआउट कीजिएगा। जैसे इसके आवेदन शुरू होते हैं हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, सारे आपके सवालों के जवाब हम आपको आगे भी देने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।